और गाइस बाइक वॉश कराई है ना, और इस कीचड़ में जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी नहीं है। भाई तुम जाओ यार पहले। क्या नाम से? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ चकोड़ी में, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, एंड आज का प्लान है मेरा चकोड़ी से और बागेश्वर जाने का। एंड मेरे साथ मेरे पार्टनर राइडर हैं हिमांशु भाई, हम दोनों ने साथ में ओम पर्वत कंप्लीट किया, आदि कैलाश कंप्लीट किया। एंड गाइज यहाँ चकोड़ी में ना बहुत ही प्यारे प्यारे से रिजॉर्ट हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से होटल्स हैं। तो अभी मैं बैग पैक करता हूँ और अच्छे से रेडी होता हूँ, तब तक आप यहाँ के ड्रोन शॉट इंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी हमने बैग पैक कर लिया और सोनू भाई आ रहे हैं हमें विदा करने। बाय बाय, फिर मिलेंगे। और भाई हिमांशु भाई ने ना सोनू भाई का एक्सटेंशन बोर्ड अपने डब्बे में रख दिया था। अरे दे दे यार, हमको जरूरत है एक्सटेंशन बोर्ड की। नहीं लेके जा रहा, मजाक कर रहा हूं। नहीं मतलब अबे तुमने बता, अगर तुम ले गए थे तो बताया क्यों? अरे मैंने परेशान ना हो जाना, तुम जरूरत है गेस्ट का लाइव भी होती है तुम्हें वहां काम के लिए। यार ले जाना भाई, दे दे, बहुत जरूरत है यार। अबे तुम कहाँ बैठ गए? हमारे इतने सारे डिवाइस है चार्ज करने के लिए, लैपटॉप, फोन और गोप्रो, इतने सारे बोर्ड हम लोगों को मिलते नहीं। तो भाई हिमांशु भाई टपा लिए। अब ये पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं गाड़ी में, ये मांग रहा है, ये दे नहीं रहा, ये बोल रहा भाई मैं नहीं दूंगा, ये वाला चोरा था। चलो ठीक है। तो गाइस नाउ चकोड़ी से हमारी राइड स्टार्ट हो गई है। टाइम हो रहा है 11:41 और ये वाला रूट ना यार बहुत ही प्यारा रूट है, और इस रोड में ना बहुत सारी प्यारी प्यारी लोकेशन है और व्यू पॉइंट बहुत अच्छे हैं इस रोड पे। और गाइस हमने ना कल अपनी बाइक वॉश कराई है और बाइक वॉश करके बिल्कुल बाइक चमक रही है बहुत अच्छे से, और हमारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो यार कल हमने बिल्कुल कपड़े कुपड़े सब धो धा के नानो भाई के घर पर कपड़े धोए। अगर आपने इससे पहले का व्लॉग नहीं देखा जिसमें हम थल से और बेरी ना गए थे तो वो व्लॉग भी देखो भाई। हमारी गाड़ी इतनी गंदी हो चुकी थी और कपड़े इतने गंदे हो गए थे ना भाई, क्योंकि इतने टाइम से देहरादून से निकले थे तो ना कपड़े वॉश किए थे और ना ही गाड़ियाँ वॉश करी थी। और गाइस बाइक वॉश कराई है ना, और इस कीचड़ में जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी नहीं है। भाई तुम जाओ यार पहले, साइड से निकालता हूँ यार। भाई बाइक वॉश करा के ना बिल्कुल मन नहीं करता कीचड़ में जाने का यार, बिल्कुल साइड से निकालेंगे हम लोग। और जब हम ओम पर्वत और आदि कैलाश की राइड में थे उस टाइम तो भाई ऐसे बड़े बड़े कीचड़ से होके गुजर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे बाइक बहुत ज़्यादा गंदी थी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अभी अपनी पहाड़न सजी धजी है बिल्कुल, तो भाई अपनी पहाड़न को ना ऐसे कीचड़ में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं कमेड़ी देवी में, और यहाँ पे एक मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर कमेड़ी देवी का, और अब हम लोग बागेश्वर में एंटर हो चुके हैं। अभी जो पीछे चकोड़ी था वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अभी हम लोग बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। और अभी यार भूख भी लग रही है मैं बहुत तेज, क्योंकि सुबह बस एक चाय पी थी, नाश्ता नहीं किया हम लोगों ने, सोचा कि जब जाएंगे तो वहीं कहीं बीच में नाश्ता कर लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए विजयपुर में, और यहाँ से बागेश्वर है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास। एंड बागेश्वर जाने के बाद भी हम लोग डायरेक्ट देहरादून नहीं जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करके जाएंगे नैनीताल हल्द्वानी वगैरह। और गाइस अगर आप लोगों ने ना मेरे 5K सब्सक्राइबर करा दिए तो भैया तुम्हारा भाई जाएगा विंटर स्पीति करने, तो आपको दिखाएगा भाई विंटर स्पीति। अगर 5K सब्सक्राइबर हो जाते हैं यूट्यूब पे, और यार तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो भाई बढ़ा लो जरा सब्सक्राइबर, बढ़ा दो, शेयर कर लो वीडियो को, और सारी राइड अपनी अपनी पहाड़न के साथ होगी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कांडा में, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है, और कांडा में ना बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है कालिका मंदिर। तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं कालिका मंदिर दर्शन करने, पर अभी हमें लेट हो रहा है, हम अभी दर्शन नहीं करेंगे, बाद में कभी यार पिथौरागढ़ आने का ट्रिप बना तो उस टाइम पे यार जितनी भी लोकेशन है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो भैया लंच टाइम हो गया, और इधर कहीं पे बाइक रोक के लंच करते हैं, बट भाई ये तो बंद है, ये आगे वाला देखते हैं देवभूमि होम स्टे। बहुत सारे लोग यार पहले से बैठे हैं यहाँ पे। कैसा रहा? तो भाई अभी हम लोग पहाड़ी खाना खा रहे हैं, ये है क्या है? हमारे पहाड़ी खाना, इट्स नॉट अ कुमाऊनी, पहाड़ी खाना। अबे गढ़वाल में बनता है मेरे भाई। ये है भट की दाल, और ये है कड़ी भट के डुबके। और इधर ये सब्जी बता, ये सब्जी मूली के पत्तों की है सब्जी, है ना? देखा बेटे, पता है मुझे आलू और मूली के पत्ते।
क्या नाम से? नीलू एंड किरण ब्लॉग्स। नीलू एंड किरण साथ में पहाड़ी मुसाफिर ब्लॉग्स सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अभी हम लोग ओम पर्वत और आदि कैलाश से आ रहे हैं, तो अभी जो हमारी जो राइड है उत्तराखंड राइड चल रही है। तो वैसे मैं बागेश्वर से ही हूँ, तो आप लोगों ने मेरे ड्रोन शॉट देखे होंगे बागेश्वर के। तो अभी हम लोग यहाँ से नैनीताल जाएंगे, तो आज तो हम लोग बागेश्वर स्टे करने वाले हैं। दो दिन बागेश्वर स्टे करेंगे, देन जाएंगे नैनीताल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो गाइस अभी निकलते हैं बागेश्वर के लिए। तो गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं बागेश्वर में, और यहाँ से देखो अभी बागेश्वर दिख रहा है बहुत प्यारा, और ये है बागेश्वर का व्यू पॉइंट। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं बागेश्वर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग अपना सामान मोहित भाई के घर पर रखेंगे, देन यहाँ से जाएंगे नीलेश्वर मंदिर की ओर, क्योंकि भाई नीलेश्वर मंदिर बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत ही प्यारी जगह है, और मोहित भाई का घर यार मस्त सरयू नदी के जस्ट बगल पे। तो गाइस अभी हमने सामान सारा अंदर रख दिया और अभी हमने ड्रेस चेंज कर लिया। तो गाइस हम लोग पहुंच गए सरयू पुल में, और यहाँ से हमने जाना है वो ऊपर पहाड़ी में। लोकल ही है, उत्तराखंड के ही हैं। कौन सी चैनल है आपकी? ये पहाड़ी मुसाफिर ब्लॉग्स, पहाड़ी मुसाफिर ब्लॉग्स, पहाड़ी मुसाफिर ब्लॉग्स, ये लिखा है यहाँ पे। हम आपको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे यार धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे अपने। तो भाई नीलेश्वर जाने के लिए भी ऑफ रोड का यूज़ करना पड़ेगा, ऊपर तक नहीं जाती गाड़ी। यहाँ पे भाई गाड़ी करेंगे पार्क और यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा ऊपर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए नीलेश्वर मंदिर में, एंड एक बार नीलेश्वर मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, देन आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। गाइस अभी हमने दर्शन कर लिए नीलेश्वर महादेव के, एंड यहाँ से आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस इस प्यारी सी लोकेशन से बागेश्वर का ड्रोन शॉट लेते हैं, और बहुत ही प्यारा दिख रहा है यहाँ से बागेश्वर, और तब तक आप ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए। गाइस ड्रोन शॉट भी ले लिए, आई होप आपको पसंद आए होंगे, एंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मार्केट की तरफ। और लगता है मेरा पीछे वाला डिश्ना पूरा घिस चुका है, क्योंकि भाई तुम्हें तो पता है ओम पर्वत यात्रा और आदि कैलाश में कितनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, और ब्रेक भी उतने ज़्यादा यूज़ हुए होंगे। ब्रेक ना पूरा खत्म हो गया पीछे का, आगे का तो सही चल रहा है, पीछे का पूरा डिस्पैट खत्म हो गया, तो अभी पहले डिस्पैट चेंज कराएंगे बाइक के। तो गाइस अभी डिस्पैट हमें मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई आज यहाँ पे मार्केट बंद है। तो अभी हम यार ये बिलोना वाले रोड पे जा रहे हैं थोड़ा भटकने घूमने। बिलोना भाई पुराना नदी के किनारे है, और बहुत ही अच्छा प्लेस है, एंड काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे घूम के। और अभी हम जा रहे हैं यार रूम पे। तो भाई अभी हम दोनों ना एक ही गाड़ी में मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि भाई मार्केट से सामान लेना है और घर पर ही खाना बनाना है, तो दो गाड़ी ले जाके क्या ही करना है। किधर किधर? पाठक जी की दुकान में रुके। तो गाइस अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया, और अभी हम दोनों बैठे हैं एडिटिंग करने। ये देखो ये हिमांश भाई की एडिटिंग चल रही है यहाँ पे। एंड गाइस अभी इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करो, एंड सब्सक्राइब करो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। अब आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।